नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में बीजेपी की सरकार बनने पर रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में बहस गर्म हो चुकी है। रेणु देवी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार की नेत्री है, इस बीच कहा जा रहा है कि बीजेपी रेणु देवी को आगामी वक्त में मुख्यमंत्री चुनने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी महिला वोटरों को लुभाने के लिए यह कदम उठाने पर विचार कर रही है, क्योंकि रेणु देवी अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं, महिला वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रख सकती हैं। इसी के साथ इससे पहले भी बिहार की डिप्टी सीएम रह चुकी है, तो अब चर्चाएं जोरों पर चल रही है। और इस सब के बीच नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को पटना आवास पर बुलाया है। आपको बता दें कि इस बीच लालू प्रसाद इस बात पर गंभीरता से विचार विमर्श करते नजर आ रहे हैं कि क्या कोई बहुमत के लिए जरूरी 200-122 के आंकड़े को छू सकता है। 242 सदस्य ही बिहार विधानसभा में वर्तमान में आरजेडी के पास 79 विधायक है, जबकि जेडीयू के पास 45 विधायकों का समर्थक है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और विपक्षी खेमे बीजेपी में 78 विधायक हैं। यानी कि यहां पर 6-8 विधायकों का जोड़ तोड़ करने पर विचार कर रहे हैं लालू यादव, और बीजेपी यहां पर बड़ा सत्ता में उलटफेर करने पर विचार कर रही है। इस बीच बता दें आपको कि रेणु देवी को बिहार की मुख्यमंत्री बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पटना आवास पर विधायकों की मीटिंग बुलाई है और वहाँ पर अब सलाह मशविरा किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।